हमीरपुर जिला के पिछड़ी पंचायत कश्मीर में अवैध कटान जोरों से किया जा रहा है और वन विभाग के नागतले वन काटुओं ने 87 खैर के पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाई, जिसकी सूचना मिलने पर विभाग ने मोछों को कब्जे में लिया और छानबीन शुरू कर दी है। हमीरपुर जिला के नादौन के पिछड़ी पंचायत कश्मीर के सरकारी जंगल से वन विभाग को मिली सूचना पर संगोनी गांव के पास 87 हरे खैर के पेड़ों के मोछे बरामद होने से वन विभाग की कार्यप्रणाली फिर सवालों के घेरे में आ गई है। हालांकि भनक लगते ही वन विभाग तुरंत हरकत में आ गया है और खैर के हरे पेड़ों पर चल रही वन काटुओं के इस ग्रोह को पकड़ने के लिए छापामारी करने में जुट गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस काम को अंजाम देने वाले अंडरग्राउंड हो गए हैं। वहीं आज मौके पर पहुंचकर वनखंड अधिकारी स्वरूप चंद ने लकड़ी को कब्जे में लेकर नादौन पुलिस थाना में दूसरा मामला अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज करवा दिया है। लोगों का कहना है कि रेंज ऑफिसर वर्डसर को कई लोगों ने इस मामले के बारे में कई फोन लगाए, मगर उन्होंने लोगों का फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। इस बारे भी लोगों ने विभाग के उच्च अधिकारियों को ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है और लोगों का कहना है कि ऐसे अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए। ये तो मुझे सुबह पता लगा जब मैं अपने घर से बाहर निकल रहा था, तीन चार आदमी जा रहे थे ऊपर की तरफ। जब मैंने देखा कि आदमी कौन है तो मैंने पता किया कौन है, कि मैं थोड़ा सा ऊपर आया तो देखा ये अंदर से लकड़ी निकाल रहे थे, खैर के मोछे थे। मैंने इनको पूछा, जो अपने आपको वीडियो साहब बता रहे हैं, कि क्या ये आप कहाँ से रिकवर कर रहे हैं? कहता जी हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, हम रिकवर कर रहे हैं। मैंने इनको ये भी पूछा कि आपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, जो पंचायत है यहाँ, या आर ओ है या पुलिस के थ्रू रिकवरी क्यों नहीं की इसकी? वो कहते जी वो आए, उसके बाद इन्होंने निकाले 28 मोछे ये खैर के निकले। इससे पहले भी ये रिकवरी कर चुके थे, पर उसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, ना कोई चोर पकड़ा। और ये स्कैंडल जो है पिछले कई दिनों से कश्मीर पंचायत में, ये फॉरेस्ट में चल रहा है। इस स्कैंडल को पकड़ने के लिए कोई डिपार्टमेंट प्रॉपर एक्शन नहीं हुआ। इसकी रिकवरी जो है वो भी पुलिस के थ्रू होनी चाहिए थी, ताकि प्रॉपर इसका फोटोग्राफी होती, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ आता, उनके थ्रू होती, गाँव वालों को बुलाते। पर डिपार्टमेंट जो आया, इन्होंने अपने आप ये बाहर निकलाए, लोकल लेबर ला के और लोड करके अभी लेके जा रहे हैं। इसके बाद ये क्या करेंगे इसके बारे में आई डोंट नो। आर ओ को मैंने आर ओ को तीन बार फ़ोन किया लैंडलाइन के ऊपर, पर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मेरी DFO साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारे नॉलेज में पहले बात आई थी, तो इसके लिए मैं कंसर्न आर ओ जो है कंसर्न पर्सन को बताते हैं, लेकिन आर ओ नहीं आए। आर ओ अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे, उन्होंने फ़ोन भी नहीं अपना उठाया। जब इन डिपार्टमेंट वालों से मैंने पूछा कि आर ओ का या DFO का नंबर दो, तो ये कहते हैं हमें मालूम नहीं। अब मुझे पता नहीं कि बीच में क्या स्कैंडल आई। थैंक यू सर। सर जो जैसे हमें पता चला, हमने वो जो पहले ले गए थे, हम उसकी एफ आई आर दर्ज करवा दी है। कितने मोछे थे? 59। इतना भारी कटान हो रहा है, आपके जो वन रक्षक हैं इस बीट के, वो क्या कर रहे हैं? वो भी गश्त तो कर रहे हैं जी। तो बिना ये कैसे हो गया ये सारा, इतना बड़ा कटान हो रहा है, अवैध कटान? अगर एक दिन में तो नहीं हो सकता है ये? नहीं, एक दिन में नहीं हो सकता। तो फिर इसमें लापरवाही है वन विभाग की? देखो जी, जब तक कोई पब्लिक हमारा साथ नहीं देती है, तब तक एक अकेला गार्ड क्या करेगा जी? ये जितनी भी बरामदगी हुई है, ये सभी आपको गांव के लोगों ने वन रक्षक को टेलीफोन किए हैं? नहीं नहीं जी, पहले वो परे बड़े जो 59 लॉग्स है, वो वन रक्षक ने खुद देखे हैं, उसके ऊपर जो स्टंप डाया है। ये जो 18 पड़े हैं आपके सामने? 18 नहीं, 28 है। 28, ये जो 28 पड़े हैं, हाँ जी, ये हमें वो जो बूढ़ी है वो आई थी यहाँ घास काटने के लिए जी। हम भी इधर कल भी इधर गश्त में। तो फिर आपने बरामदगी क्यों नहीं की जब आप गश्त? बरामदगी हम ढूंढ रहे हैं, नाले पे ढूंढ रहे हैं जी। वो कटर रखा हो मैंने सामने जी, देख रहे हैं जो काट के गिरा के रखे हुए हैं, उनको भी देखा बंदे काली। वन रक्षक का कहना है कि इससे पहले भी विभाग ने काटे हुए पेड़ों के मोछे बरामद किए थे, जो आज भी लोगों के द्वारा सूचना दिए जाने पर 87 मोछे खैर के बरामद किए हैं। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी इसी जंगल में कई सौ हरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चली थी और उस समय लोगों की शिकायत पर जांच हुई थी। तत्कालीन वन रक्षक सुरजीत कुमार को विभाग ने जांच रिपोर्ट के आधार पर नौकरी से सस्पेंड किया था। अभी भी वन रक्षक का मामला न्यायालय में है और विभाग के पास विचाराधीन है।
अब एक बार फिर जंगल में हुए अवैध कटान पर वन विभाग की प्रणाली पर एक बार फिर से सवालिया निशान उठ खड़े हुए हैं।